हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं ली हूँ साबुत अरहर, कहीं कहीं इसे तुअर भी बोलते हैं। ये साबुत मटर है, सफ़ेद साबुत, थोड़ा सा चना है और थोड़ा सा गेहूँ है। अरहर की क्वांटिटी ज़्यादा है और सबकी थोड़ी थोड़ी है। इसको हम एक साथ मिला के भिगा के रख देंगे। आप सोच रहे होंगे मैं इसका क्या बना रही हूँ, मैं आगे के प्रोसेस में बताती हूँ। मैंने सुबह कुकर को रख दिया गैस पर। कुकर हमारा गर्म हो गया था, इसमें हमने तेल डाला था, तेल हमारा गर्म हो गया था। फिर हमने इसमें थोड़े से हींग, थोड़े से मेथी डाले और प्याज डाल दिया इसमें भुनने के लिए। प्याज हमारा भुन जाएगा, हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाले में हमने प्याज, लहसुन, जीरा मर्च पीसा था और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। इसमें हमने हल्दी डाला है, मीट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग का एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक शेयर बहुत मायने रखता है। ये देखिए बेकने के बाद कुछ इस तरह हो गए थे और हमने इसको अच्छे से धुल के रख दिया था। ये दो खड़े अमचूर लिए हमने, इसमें डाला और थोड़ा सा नमक डाला। आप सोच रहे होंगे क्या है, इसे हमारे वहाँ घुघरी कहते हैं, आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम पानी डाल के सीटी लगा देंगे। स्लो आंच पे 3-4 सीटी आने देंगे। वैसे तो सब कुछ गल जाता है बट अरहर जो तुअर है वो जल्दी नहीं गलता है। ये देखिए अब हम इसमें सीटी लगा के रख देंगे। स्लो आंच करके 5-4 सीटी आने तक छोड़ देंगे, फिर आगे मिलते हैं। ये देखिए हमारा घुघरी बनके तैयार हो गया है। आप लोग के वहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसको हमने जो है इसमें प्याज कट करके डाल दिया था, नमकीन डाला और थोड़े से हमने इसमें मिर्च पाउडर डाले और थोड़ा सा चाट मसाला। इससे टेस्ट इसका और बढ़ गया था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए सारा सब कुछ हमने इसमें डाल के गार्निश किया और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।